मेरी जान है रे तू। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। मेरी नजर से देखना। अच्छा तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। दिव्या भारती की चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस और उनके लवली लुक्स ने उन्हें कुछ ही सालों में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप ग्रेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार करा दिया था। इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। काजल, और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। लेकिन 19 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की मौत हो गई और उनकी मौत ने जन्म दिया कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज को, जिन पर उस वक्त ब्रेक लगा जब खुद उनके पिता ने सामने आकर कहा कि दिव्या की मौत दुर्घटना की वजह से हुई है, ना कि किसी ने उनकी हत्या की है। जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई थी उस दिन वो चेन्नई से लौटी थी। दिव्या वहाँ शूटिंग के सिलसिले में गई थी। मैं हंसती बहुत हूँ, देखो ना आंखों में आंसू आ गए। अगले ही दिन दिव्या को शूटिंग के सिलसिले में ही हैदराबाद भी निकलना था। फिर उसी दिन दिव्या को एक प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया। दरअसल दिव्या अपने माता पिता को एक घर देना चाहती थी। सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं। उस प्रॉपर्टी डीलर ने दिव्या को एक घर दिखाने के लिए कहा। दिव्या ने अपने प्रोड्यूसर को कॉल किया और कहा कि चूँकि उन्हें अपने पेरेंट्स को एक घर देना है तो वो कल हैदराबाद नहीं निकल पाएंगी, बल्कि उसके अगले दिन जाएंगी। अगले दिन दिव्या अपने माता पिता को लेकर उस घर में गई जो उन्होंने देखा था। तभी दिव्या भारती को डिज़ाइनर नीता लुल्ला का फ़ोन आया। उन्होंने दिव्या से कहा कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। आज तुम्हारी आंदोलन वाली ड्रेस भी फाइनल कर देंगे। नीता लुल्ला अपने पति श्याम के साथ दिव्या भारती के घर आई थी। नीता लुल्ला के आने की खबर मिलते ही दिव्या भारती माता पिता से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ी। दिव्या भारती दोस्तों जल्द ही आंदोलन फिल्म की शूटिंग करने वाली थी और इसी फिल्म के सिलसिले में ही नीता लुल्ला उनसे मिलने आई थी। दिव्या के घर लौटते ही नीता लुल्ला और उनके पति श्याम ने ड्रिंक ली थी। दिव्या भारती ने भी ड्रिंक ली थी। दिव्या की नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी और पिछले कई सालों से उनके साथ ही थी, वो मेहमानों के लिए स्नैक्स फ्राई कर रही थी। गरीब मैं हूं, मगर ये मेरी खता। दिव्या भारती ने टीवी ऑन किया था और अपने मेहमानों के साथ थोड़ी देर टीवी भी देखी थी। इसी बीच दिव्या भारती उठकर अपनी बालकनी की लैस पर जाकर बैठ गई।
लेकिन जैसे ही दिव्या भारती ने अपना मुंह घुमाया, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे ज़मीन पर जा गिरी। बताया जाता था दोस्तों कि पांचवी मंजिल से नीचे गिरने के बाद भी तुरंत दिव्या भारती की मौत नहीं हुई थी। पैरामेडिक्स की टीम के आने तक भी दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दिव्या भारती के शरीर में कई अंदरूनी चोटें आई थीं। वो चोटें बहुत ही गंभीर थीं। दिव्या भारती का शरीर उन चोटों के सामने हार मान गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दिव्या भारती के मौत के महज एक महीने बाद ही उनकी नौकरानी अमृता की भी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। दिव्या की बालकनी के ठीक नीचे हमेशा एक कार खड़ी रहती थी दोस्तों। आप जो मेरे नीत ना होते, फोटो पे लीरे। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कोई कार वहां नहीं खड़ी थी। दिव्या भारती ने कोई बहुत लंबे अरसे तक फिल्मों में काम नहीं किया, बस 2-2.5 साल तकरीबन। लेकिन उस दौर के 1990s के पॉपुलर कल्चर को फॉलो करने वाले उनकी धमक फिल्मों में उनके इंपैक्ट को अच्छी तरह समझते हैं। ज़बरदस्त पोटेंशियल जो 1993 की उस रात एक झटके में ख़त्म हो गया। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्म हुआ। पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। जब 9th स्टैंडर्ड में थी दिव्या, तभी एक फिल्म का ऑफर आया और पढ़ाई छोड़ने का बहाना मिल गया। लेकिन करियर के शुरू होने से पहले ही गोविंदा का राधा का संगम, आमिर खान की आतंक ही आतंक और सुभाष घई की सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों से दिव्या को निकाल दिया गया। फिर 1989 में उन्हें तेलुगु फिल्म बॉबीले राजा के लिए उन्होंने बतौर हीरोइन साइन किया गया। दिव्या की उम्र उस समय 16 साल थी। फिल्म बड़ी हिट रही, तो इस तेलुगु फिल्म की बड़ी कामयाबी ने दिव्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। 1992 दिव्या के करियर का सबसे बड़ा और धमाकेदार साल रहा। इस साल दिव्या की 1-2 फिल्में नहीं बल्कि 10 फिल्में रिलीज हुईं। दिव्या आई और बॉलीवुड के आसमान पर छा गई। तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे। 1992 की शुरुआत में तो लगातार 3 हफ्ते दिव्या की 3 फिल्में रिलीज हुईं। पहली फिल्म थी विश्वात्मा, दूसरी दिल का क्या कसूर और तीसरी थी डेविड धवन डायरेक्टेड गोविंदा के साथ शोला और शबनम, जो बड़ी हिट थी। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला फिल्म के हीरो गोविंदा से मिलने आए। उनकी मुलाकात दिव्या से भी हुई, प्यार हो गया और फिर 1992 में ही साजिद नडियाडवाला और दिव्या ने निकाह कर लिया। ये निकाह इसी तुलसी अपार्टमेंट में हुआ जो उस वक्त साजिद का घर हुआ करता था। तो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मैडम के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी खुशियां दिव्या को गले लगाने को बेताब थी। दिव्या ने 20 तेलुगु और हिंदी फिल्मों में साइन कर ली थी। दिन रात शूटिंग करती थी और चाहती थी कि अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर खरीदे। तुम ही देखे मेरी आंखें, इसमें क्या। और आपको तो मालूम ही होगा कि शाहरुख खान की पहली ही हीरोइन थी दिव्या भारती, दीवाना और उसके बाद दिल आशना है। दो फिल्मों में शाहरुख और दिव्या ने साथ में काम किया और दोनों ही फिल्मों में कहानी के सेंटर में दिव्या भारती थी और उनका रोल भी दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान से ज़्यादा अहम था। खैर, करियर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था
और कहा जाने लगा था कि दिव्या बहुत जल्द ही बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस बन जाएंगी। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। 5 अप्रैल 1993 की वो रात यानी हादसे की रात, और आपको मालूम है उस रात दिव्या भारती को मुंबई में होना भी नहीं था, उन्हें तो आउटडोर शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। वो 4 अप्रैल को एक दूसरी आउटडोर शूटिंग से चेन्नई से वापस मुंबई लौटी थी और उसी दिन वो अपना घर देखने नए नए फ्लैट्स देख रही थी। वो नेपच्यून अपार्टमेंट्स में उन्होंने एक बड़ा सा घर अपने माता पिता के लिए फाइनल किया। खुश थी। उन्हें उसी रात एक दूसरी आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना था, लेकिन उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा कि मैंने घर खरीदा है और ये खुशी मैं अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए वो आउटडोर शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी। जिस 5 तारीख को उन्हें मुंबई में रहना ही नहीं था वो रुक गई। खैर 4 अप्रैल की शाम को एक 4-बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल करके वो वापस तुलसी अपार्टमेंट वाले घर पहुंची तो उन्हें अपने पति साजिद कहीं बाहर जाते हुए मिले। फिर दिव्या ऊपर अपने फ्लैट में चली गई। दिव्या तुलसी अपार्टमेंट वाले अपने इस फ्लैट पर पहुंची तो वहां डिज़ाइनर नीता लुल्ला अपने पति साइकेट्रिक डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ मौजूद थी। के अलावा दिव्या की बेहद करीबी हाउसमेट अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। तीनों साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे, बातचीत चल रही थी। फिर हल्के नशे में दिव्या धीरे धीरे चलती हुई अपने लिविंग रूम की उस बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ी। उनके माँ बाप का कहना था कि वो अक्सर उस खिड़की के पास जाकर बैठती थी, मानो खुली हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान वो लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए खाना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक नीता और श्याम लुल्ला उस वक्त टीवी पर कुछ देख रहे थे, उनका ध्यान दिव्या की तरफ नहीं था। खिड़की पर बैठी दिव्या ने उनसे बातचीत करते हुए ही लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन इसी पल अचानक उनका हाथ स्लिप हो गया। दिव्या तेजी के साथ नीचे गिरी, जोर की आवाज़ हुई, सब लोग बुरी तरह घबरा गए। नीता, श्यामलुल्ला, अमृता जल्दी से भागकर नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्या नीचे तड़प रही थी, खून से लथपथ। ये सब चंद पलों में हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था, साजिशों की बात हो रही थी, अलग अलग थियोरीज आ रही थी। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज, किसने मारा, दिव्या का मर्डर है या एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें चल रही थी। दिव्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उन्हें उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। साजिद और उनके माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। और फिर दिव्या का अंतिम संस्कार, उनको जो आखिरी विदाई दी गई उसमें उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। मीडिया में लगातार कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आती रहीं, साजिद के ऊपर सवाल उठते रहे, अंडरवर्ल्ड की बातें होती रहीं, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्द ही साजिद को क्लीन शीट दे दी। बताया गया कि वो तो उस वक्त यानी हादसे के वक्त घर में मौजूद ही नहीं थे। एक बहुत अजीब सी बात भी पता चली कि उस वक्त की वो जो दिव्या की बहुत करीबी हाउस हेल्प थी, जो बचपन से ही उनके साथ रही थी अमृता, और जो हादसे के वक्त भी वहाँ मौजूद थी, दिव्या की मौत के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। पुलिस को भी इंतज़ार था कि कब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो तो हादसे की उस रात की कुछ और तस्वीरें ज़्यादा साफ हो। लेकिन अफसोस था और बड़े हैरत की बात भी थी कि 1 महीने बाद अमृता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और आखिरकार दिव्या की मौत के 5 साल बाद 1998 में इस केस की फाइल बंद कर दी गई। कुछ सवाल अधूरे रह गए। 2018 में दिव्या भारती की मां मीता भारती भी नहीं रही, लेकिन जब भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के 1990s वाले दौर का जिक्र किया जाएगा, दिव्या भारती का चैप्टर
बेहद अहम चैप्टर रहेगा। वो जिंदा रहती तो न जाने और क्या क्या कर सकती थी, लेकिन वो चैप्टर जो बेहद अदरकली उस हादसे की वजह से ख़त्म हो गया।